जब हम शिकायत करते हैं तो बहुत राइट रहते हैं, उसको हम बोलते हैं राइचियसनेस। और राइचियसनेस मतलब मैं सही हूं, मेरा जो देखने का नजरिया है वही बराबर है, मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, और वो एकमेव द्वितीय पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, वो ऐसे ही हो सकता है, इसके से हो ही सकता नहीं। क्या है कि जब कभी आप ये शिकायत करते रहते हो तो लोगों के साथ में आपके संबंध खराब होते हैं, लोगों के साथ में प्यार नहीं रहता है, और लोगों के साथ में आप कुछ क्रिएट भी नहीं कर सकते। देखो किसके साथ में कुछ अपने को बात करनी है, कुछ प्लान बनाने का है, कुछ आपको करने का है, योजना बनाने की, कोई स्ट्रेटेजी बनाने की है, कोई रिलेशनशिप डेवलप करने का है, कुछ भी करने का है, तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके तो मन में उसके बारे में शिकायत है। तो आपको वो शिकायत जो है वो ड्रॉप करनी पड़ेगी, वो जो मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं राइचियस हूँ, वो ड्रॉप करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, और सामने वाले का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि अब समझो ये जो बुक है, अब इसके पीछे जो है ये सामने के समय सामने के पार्ट पे ये पुनः करो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बुक है नोटबुक, यहाँ सामने देखो कैसा है। अभी आपने सामने से देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है शुभ, और ये फोटो है, यहाँ लिखा है गेम चेंजर, बी द गेम चेंजर, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये देखने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ ये बराबर है, ये ऐसा लिखा हुआ है, और वो बोलेगा कि नहीं, यहाँ लिखा है कि बी द गेम चेंजर, और यहाँ लिखा है शुभ, और एक आदमी का फोटो है, वो यहाँ से देख रहा है। अभी मैं कैसे देख रहा हूँ, इधर से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा शुभ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ गेम चेंजर करके ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बी द गेम चेंजर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ के बैठ जाऊँगा, मैं बोलूँगा ऐसा है नहीं। सामने वाले क्या बोलेगा, ऐसा है शुभ लिखा है, मैं बोलूँगा ऐसा लिखा ही नहीं। सामने वाले वो बोलेंगे लिखा है, मैं बोलूँगा लिखा ही नहीं, दोनों भी अपने अपने जगह पर सही है। फिर झगड़ो कि मैं सही हूँ, वो बोलेगा मैं सही हूँ। इसमें करना क्या है कि भाई फिर मैं बोल सकता हूँ, पूछ सकता हूँ कि भाई तुमको जो दिख रहा है कि यहाँ शुभ है, यहाँ शुभ लिखा हुआ है, जरा मुझे देखने दो, सच्ची शुभ लिखा है क्या, मैं उधर से जा सकता हूँ और देख सकता हूँ, अच्छा हाँ शुभ लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है, या फिर उसको मेरे बाजू में ले सकता हूँ और बता सकता हूँ कि देखो यहाँ शुभ लिखा नहीं है, आप जरा देखो मेरे नज़रिए से। तो जब आप इस तरह से एक दूसरे को समझ लेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। आपको जो उसके साथ में कुछ बनाना है, बड़ा काम करना है, स्ट्रेटेजी करना है, प्लानिंग करना है, कोई योजना बनाने का है, वो बना सकते हैं। आप एक्शन मोड में रहेंगे, आप जिम्मेवारी लेंगे, आप खुद होकर लाइफ में पार्टिसिपेट करेंगे, रादर देन बैठना और कंप्लेन कर दिया वो वैसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं करना, राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे आमदार ऐसे हैं, हमारा कॉरपोरेशन ऐसा है, घर के लोग ऐसे हैं, मेरा दोस्त ऐसा है, वो टिकट का ऐसा प्रॉब्लम है, ये फोन का ऐसा, कंप्लेन करते बैठो, या फिर वहाँ आगे कदम रखो, बोलना ठीक है मैं जिम्मेदार हूँ, मैं यहाँ जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैं यहाँ एक्शन लूँगा, मैं यहाँ कृति करूँगा, कुछ ना कुछ संभव रिजल्ट आ जाएंगे। तो सबसे महत्व का क्या है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो देखने का नज़रिया है, वो मेरे को स्वाहा करना पड़ेगा। स्वाहा, एक यज्ञ तैयार करो आज से अपने घर में, यज्ञ जलता हुआ कुंड, होम कुंड, और हर बार वो डालते जाओ कि भाई स्वाहा स्वाहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, साथ देखो लोग क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कहने का है, उनका व्यू क्या है, समझ लो। और आखिर में समझो आप नहीं मान्य कर रहे, नहीं एग्री हो रहे, तो आप बोल सकते हैं कि वी एग्री टू डिसएग्री, वी एग्री टू डिसएग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर समझ तो लो, ये तो हो सकता है। तो इसलिए शिकायत नहीं करना है, जिम्मेदारी लेना है, और जिम्मेदारी से काम करके एक कदम आगे बढ़ाने का है। जब आप काम करेंगे डेफिनेटली आपका लाइफ जो है एक्स्ट्रा लाइफ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।